फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब तो आप लोग देख सकते हो मैं गणेश की मूर्ति ले चुकी हूँ गणेश जी के लिए। अब बताओ, हम ना पहली बार ले रहे हैं यहाँ पर, ज्यादा दुकानें भी नहीं लगी, तीन चार दुकानें लगी हुई थी। वहाँ से मुझे एक बहुत सुंदर सा मूर्ति पसंद आ गया, तो हम लेके आ गए और घर में आके ना डेकोरेशन कर रहे हैं। दूसरे दिन हम गणपति को अंदर ला रहे हैं, तो अक्षत उनके ऊपर मतलब पहली बार ला रहे हूँ ना, इसलिए मैं मेरे हस्बैंड को बोला हमारे घर को देखना चाहिए अंदर से, मतलब बाहर से आने के टाइम वो देखना चाहिए। ऐसे तो लाके खोलते हैं उनका जो फेस का कवर, लेकिन मैं पहले से खोलने के लिए बोली क्योंकि हम पहली बार ला रहे हैं। इससे पहले ना हम डेकोरेशन कभी घर में नहीं किए थे, कि भगवान जी को कभी घर में नहीं लाए थे। इस तरह हम ना मंडप में जो पंडाल होता है उस वहीं पे होता है इस, लेकिन इस बार हम जहाँ पर हैं यहाँ पर कोई नहीं मनाता। एक बात बताऊँ, यहाँ पर किसी को पता भी नहीं कि आज गणपति का मतलब गणेश चतुर्थी है। हम प्रसाद देने के लिए जब गए ना, उनको बता बता के उन लोग को देना पड़ा कि आज गणेश चतुर्थी है। तो पता नहीं कहाँ से आए, इनको पता भी नहीं है। और यहाँ पर मतलब क्या बताऊँ, गणेश पूजा के दिन यहाँ पर जो दुर्गा होता है, दुर्गा कहीं पर नहीं मिला है। कितने सारे लोगों ने मतलब उनको दुर्गा का मतलब ही नहीं पता है। बताओ यहाँ पर मतलब क्या करो, इतना भी मतलब हम लोग बाहर नहीं है, हम दिल्ली में रह रहे हैं, यहाँ पर भी लोगों को पता नहीं है। मैंने इस रोज के भी अजीब सा लग रहा है, लेकिन हम लोग पहली बार के यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर पंडित जी भी मिलना मुश्किल है, पंडित जी भी कहाँ मिला हो। यहाँ पर सोसाइटी में हमारे मंदिर है, पंडित जी सुबह आते हैं, पता नहीं कब आके कब चले जाते हैं। हम सुबह नहीं देख पाती हूँ मैं कभी उनको, शाम को कभी कभी देखती हूँ। मैं उनको बोल नहीं पाई, बोलना भूल गई थी। तो हम लेके आए, कितना प्यारा सा मूर्ति है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हमने बालकनी तोड़ गए थे टोटल, यहाँ पर दुकान लगी हुई है, चार या पांच की दुकान लगी हुई है, उससे मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगा। तो हम लेके आए और ना हम 108 वाला लड्डू भी लाए थे। 108 वाला लड्डू ना हम 5 साल से दे रहे हैं भगवान जी को। हमारा कुछ मन्नत था, मतलब मैं मन्नत रखती थी, हमारी मन्नत की वजह से हम दे रहे हैं। जब हम पंडाल में करते थे ना, तो पंडाल में दे देते थे, इस बार हम घर में किए हैं तो घर में ले आए हैं 108 वाला लड्डू। तो हमें मुझे ना पूजा करते थे बहुत अच्छा लग रहा था। तो हमने अभी भी गणपति के घर में रखे हुए हैं, लेकिन 5 दिन रखेंगे, हम संडे के दिन विसर्जन करेंगे शाम को। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आप लोग को कैसा लग रहा है हमारा गणपति जी। मुझे बहुत मैं दुखी हो जाती हूँ, अगर कुछ मेरा मुड़ा पड़ जाता है ना, मैं चली जाती हूँ भगवान जी के पास। मुझे देख के ना बहुत प्यारा जाता है, बहुत अच्छा लगता है देख के, कितना प्यारा सा मतलब उनका चेहरा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और आप लोग भी पूजा किए होंगे, आप मुझे बताना आप लोग कैसे पूजा किए हो। हम मुझे मंत्र इतना नहीं आता है, हम लोग मोबाइल में ना गाना लगा के रखे थे, और जो उनका आरती वाला जो गाना होता है वो गाना लगा के फिर हमने पूजा की। तो जो भी छोटे छोटे चीज मेरा मुझे लगता है छूट गया था उस दिन, मतलब पूजा के टाइम बहुत चाहिए होता, मैं शायद सारी चीज़ें ही लाई थी पहली बार की। भगवान जी माफ करना, कुछ भी गलती हुआ होगा ना भगवान जी मुझे माफ़ कर देना। मैं क्या करूँ, मुझे इतना भी नहीं पता। यहाँ भी ना हर चीज़ मिलता नहीं दुर्गा के लिए, यहाँ पर तो कहीं पर मिट्टी भी है नहीं। हम जहाँ पर रह रहे हैं ये सब मतलब पक्के है, जो सीमेंट में कॉन्क्रीट वाला सब है, नीचे का मतलब जो फ्लोर है सब सही है। और जो बाहर जो पूजा हमारी उधर ना हमारी ससुराल या मायके में हमारी घर जहाँ पर है वहाँ पर ना हम तो दुकान में क्या, हम लोग को तो मतलब आज घर घर में ही मिल जाता है, रोड के किनारे मिल जाता है। यहाँ पर तो रोड के किनारे मतलब मिट्टी है नहीं, तो कहाँ पर दुर्बा होगा। तो यहाँ पर तो जो फूल की दुकान होता है ना, वहाँ पे भी नहीं मिला। मेरे हस्बैंड ने सुबह जाके बहुत सारे ढूंढ के आए, उनको भी नहीं मिला सुबह। और हमारी जो सामने रह रहे हैं वो यहीं की है लोकल की, उन्होंने भी किए थे गणपति का पूजा, उनको भी दुर्बा नहीं मिला। क्योंकि हमको अगर नहीं मिला, उनको तो मिल जाना चाहिए ना, लेकिन यहाँ मिलता ही नहीं है। मिलता तो उनको मिलता ना, वो तो लोकल की है, तो उनको नहीं मिला, इसका मतलब यहाँ मिलता ही नहीं। चीज़ मुझे दुख हो गया, गणेश जी की पूजा में दुर्बा नहीं मिला, क्या करें। हम तो सुपारी दे के सही कर दिए भगवान जी का पूजा, माफ़ी मांग ली मैंने। हमारे वहाँ पर ना गणपति की पूजा पर ना होता है होम वगैरह होता है, लेकिन यहाँ पर तो मैंने पूछी, वो लोग होम नहीं करते, वो लोग तो ऐसे ही पूजा कर देते हैं। अगर पंडित जी भी आते ना, वो भी ऐसे ही करते। तो मैं खुद कर लिया अपने हिसाब से, जैसे मैं रोज़ भगवान जी को पूजा करती हूँ घर में। मेरा पास में जो है वो मेरा घर का रोज का मंदिर है, मैं वहीं पर ही पूजा करती हूँ।
तो जैसे पूजा करती हूँ वैसे ही मैं की, और कलश भी मैंने बिठाई, मैं अपने हिसाब से जितना जानती हूँ मैं उतना ही मैंने कर ली। मैं अब क्या करती, तो मैं बताऊँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, और मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट में ज़रूर लिखना कि मेरे गणपति जी कैसे लग रहे हैं आप लोगों को, आप लोग को भी मेरे जैसा प्यार आ रहा है कि नहीं उनके ऊपर, ये तो ज़रूर लिखना। मैं जब ना इनको गाड़ी बाइक, हम लोग बाइक से गए थे, हम भी मैं जब बाइक से ले कर आ रही थी ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैं बता भी नहीं सकती, इतना अच्छा मुझे लग रहा था, मुझे बहुत सुंदर लगा। और भी हमने बहुत सारी मूर्ति देखी थी, जितना भी मूर्ति मैं देखी मेरी आँख इसी मूर्ति पर मतलब रह गया, मेरी आँख लग के रह गया, मैं इसी मूर्ति ही मुझे लेनी है। फिर हम लोग इसी पर लेके आए इनको, ये हमारे घर लेके आए, घर में हम 5 दिन बिठाएंगे, इनके लिए प्रसाद भी लाए, और 5 दिन के बाद हम सोच रहे हैं ढोल नगाड़ा बजा के ही विसर्जन करेंगे, देखते हैं क्या होता है, ढोल वाले से भी बात हुआ है, देखते हैं क्या होता है, अगर होता है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ वीडियो, आप लोग देखना और ब्लेसिंग लेना। मैं चाहती हूँ भगवान जी आप सबको आशीर्वाद दें, और अगले बरस जल्दी जल्दी आए, अगले बरस भी हम बनाएंगे, और अगले बरस में तो अच्छे से और भी अच्छे से मनाऊँगी। अगले बरस हम सोचे हैं पंडित जी बुला के घर में, मतलब जो हवन करेंगे, हवन करके ही मतलब गणपति का पूजा करेंगे जो अगले बरस। और मैंने कुछ इस साल जो जो चीज़ मेरा छूट गया है, जैसे कि दुर्बा छूट गया है, और बहुत सारी चीज़ छूटी फूटी मुझे लगता है छूट गया है, पूजा होने के बाद ही मुझे याद आया बहुत सारी चीज़, क्योंकि मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड, तो कुछ बड़े नहीं है पास में अभी बताने के लिए, तो छूट गया बहुत सारी चीज़। तो अगली बार कोई भी चीज़ जैसे ना छूटे उसका मैं बहुत बहुत ध्यान रखूँगी, हमारे उधर जैसे होता है मैं उसी तरह ही करूँगी, यहाँ जैसे करते हैं वैसे नहीं करूँगी। और मैं इस बार जो की हूँ इसी मैं जैसे की हूँ इस बार उसी तरह यहाँ पर लोग करते हैं, लेकिन हमारे उधर जैसे करते हैं मैं अगली बार से वैसा ही करूँगी, हवन करके उसके साथ ही मैं करूँगी अच्छे से जैसे हवन करते करते हैं उधर। इस बात जो हो गया भगवान जी मुझे माफ़ कर देना, मैं माफ़ी मांग चुकी हूँ, बहुत बार मांग चुकी हूँ माफ़ी भगवान जी से, और मैं क्या बोला, मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ। और जब विसर्जन करेंगे ना तब मैं आप लोगों से वीडियो जरूर शेयर करूँगी, सोच रही हूँ ढोल नगाड़े के साथ ही लेके जाएंगे, देखते हैं क्या होता है, और आप लोग को कैसा लगा हम लोग का पूजा आप सुन सकते हो, हम लोग गाना भी चला रखे हैं साइड में मोबाइल से, और एक मोबाइल पर हम वीडियो सेट कर रहे हैं। मैं आप लोग से शेयर करना चाहती थी कि इस बार मैं गणपति का मतलब पूजा की हुई हूँ, ये पहली बार है, इसीलिए हम लोग इसको मेमोरी की तरह रखना चाहते थे, इसीलिए मैं स्टार्टिंग से एंडिंग तक सारे मैंने वीडियो बना के रखी हूँ, और पर कितना भी वीडियो मेरा छूट गया है बना ही नहीं, इसके लिए भी बहुत आप लोग को सॉरी, मैं कभी मतलब होगा तो मैं आप लोग से शेयर जरूर करूँगी। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, फिर से मैं न्यू वीडियो लेके आऊँगी आप लोगों के साथ। अब हमारा पूजा कंप्लीट हो गया है, अब हम मतलब प्रसाद लेके जाएंगे, प्रसाद बांटने के लिए नीचे। अब ये हो गया हमारा पंचामृत जो मैंने बनाई थी, तो पंचामृत ये हमारा गणपति जी का लड्डू, कितना सारा 108 लड्डू। तो देखिए हमारे गणपति को भी अच्छे से देखिए, हमारा डेकोरेशन भी छोटा सा हमने घर में किए थे। आई होप आप लोग को अच्छा लगा, हम चले लड्डू बांटने, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लव यू ऑल, बाय बाय।